गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 9th से 10th का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसी टॉपिक के भीतर आज एक नए बिंदु को हम पढ़ेंगे, एक नई चीज को हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक एक्टिव पैसिव के टॉपिक के भीतर सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के जो रूल्स थे वो समझाए थे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये चीज आपको समझाई, उसके बाद में आपको गोइंग टू वाले वाक्य जो थे वो भी आपको बताए। तो लगभग 3 प्रकार के जो एक्टिव पैसिव वॉइस थे वो आप लोगों को बताए जा चुके हैं। आज हम एक नया बिंदु ले रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के भीतर, इसे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने जो एक्टिव पैसिव वॉइस के तरीके देखे थे, वाक्य देखे थे, वो सभी सिंगल ऑब्जेक्ट के थे, लेकिन ये इस प्रकार के वाक्य होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट सिंगल के स्थान पर डबल आएगा। और कैसे पता लगेगा आप लोगों को कि वाक्य जो है आपका वो डबल ऑब्जेक्ट का है या सिंगल ऑब्जेक्ट का है, कौन सी पहचान होंगी इन वाक्यों की, ये चीज हम लोगों को आज के वीडियो में समझनी है, जाननी है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। तो सीधी सी बात है, जब डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्ट दो नजर आएंगे, दो कर्म नजर आएंगे। कैसे कैसे कर्म होंगे, सजीव होंगे या निर्जीव होंगे, लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग होगी, इन सभी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। दूसरी चीज, अब हम ये भी जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लेके आना है, कौन सा बाद में लेकर के जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य हैं इनके अंदर दोनों ही ऑब्जेक्टों को आधार बना करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो किस प्रकार से बनाते हैं, आइए आज के वीडियो में समझते हैं, जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट वाला जो वाक्य है उसका पता कैसे लगाएं कि डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य आया है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि डबल ऑब्जेक्ट वाला जो वाक्य है वो सिंपल पैटर्न पर आ सकता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य हो सकता है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस हो सकता है, किसी भी प्रकार का वाक्य हो सकता है डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल आया, जैसे He teaches me English. जैसे मान लीजिए एक वाक्य आ गया, He teaches me English, या दूसरा वाक्य है You have asked him a question. अब यहाँ पर आप लोगों को दो प्रकार के ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। अब कैसे पता लगाएं, सबसे पहले हमारे उसी तरीके से हमको ध्यान रखें, एक ही चीज पता लगाएं क्या है। जैसे ही है सब्जेक्ट, टीचर्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है ये, साथ में इसमें ईएस आपका जुड़ा हुआ है, मी जो है ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इंग्लिश है ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो दूसरा वाक्य है उसे देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव दे रखा है, तो ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, आस्क्ड है ये हो गई आपकी मेन वर्ब, उसके बाद हिम जो है ये है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ए क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वाक्य में, कैसे इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है ये चीज आज हम लोगों को समझनी है। अब देखिए, तरीके वही हैं, सूत्र वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। क्या डिफरेंस होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय जो सूत्र होता है पैसिव वॉइस बनाने का, वैसे आप लोगों को बताया गया था कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए, फिर हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में बी बीन बींग और वर्ब, और नॉट का प्रयोग, ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए, प्लस नॉट सॉरी
प्लस थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं यदि किसी भी सिंपल सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। अब यदि डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य आता है तो उसके भीतर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाएगा ये चीज हमें समझनी है। अब देखिए, पहली बात तो ये देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है अपने पास है दो, यानी कि ऑब्जेक्ट एक नहीं है दो है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य होंगे वो दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कैसे? या तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए या आप सेकेंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और फिर वाक्य को तैयार कर दीजिए। और ध्यान रखना है, आप चाहे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं चाहे सेकेंड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आप लोगों जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं अपनी इच्छा से, तो जो जो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट बचेगा तो उस ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखना है। तो आइए सूत्र चेक करते हैं। तो इसका पहला तरीका तो है रूल नंबर फर्स्ट कि आपने मान लीजिए काम में ले लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आपने काम में ले लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो रूल बनेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वही ब्रैकेट में अनिवार्य चीजें, सॉरी कम टेम्पररी चीजें, ये आपके चार चीजें हम लोगों ने लगा दी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि जो वाक्य है वाक्य के भीतर कोई सा भी आपका ऑब्जेक्ट क्यों ना आए वो सब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लगाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने काम में ले लिया यहाँ पर, अब आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच रहा है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से आपका सूत्र तैयार होता है। यदि इस तरीके से आप ना बनाना चाहें, दूसरे ऑब्जेक्ट को आप आगे रखना चाहें तो कैसे बनेगा, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को आप आगे रख लीजिए, तो रूल नंबर दो कहता है कि सेकंड ऑब्जेक्ट को आप आगे रखिए प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस बी का प्रयोग, बीन बींग या नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक आपका सूत्र वही है, बस चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस होगा कि यहाँ पर यदि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसको जोड़ने के लिए टू प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई और सब्जेक्ट, इस रूल के आधार पर आपको वाक्य तैयार करना है। देख लीजिए दोबारा, अब आप लोगों को इन दोनों ही एग्जांपल में कुछ विशेष चीजें नजर आ रही होंगी, और वो क्या है, यहाँ देखिए मी शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर हिम शब्द दिया हुआ है, ये दोनों ही लिविंग थिंग है, दोनों ही सजीव ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन बाद में देखें इंग्लिश और एक क्वेश्चन, ये दोनों ही नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आप लिविंग थिंग को सब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि लिविंग थिंग को ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं और उसे यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज ले रहे हैं वाक्य के शुरुआत में लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर थर्ड फॉर्म के बाद में जो सेकेंड ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा उसको कनेक्ट करने के लिए आपको किसी वर्ड को यूज नहीं लेना है। लेकिन यदि आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जेक्ट आगे रखा है और फिर उसके बाद में आप यदि पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म के बाद में उस सजीव थिंग को जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है उसे जोड़ने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करना होगा। तो आइए दोनों वाक्यों को हम लोग बना करके देखते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को और इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बोर्ड की दृष्टि से सबसे ज्यादा उदाहरण इस प्रकार के वाक्य के आते हैं, तो इसलिए बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी बेहतर अच्छे तरीके से चीजें आपको समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एग्जाम्पल फर्स्ट जो है इसको कैसे बनाया जाएगा, देखिए सबसे पहले पहले वाले रूल से हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका मी, मी को आप आगे लाके चेंज करेंगे तो इसका बन जाएगा आई। यहाँ आपको दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ये आपका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम चेंज करेंगे तो इसे हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। यहाँ हमको दिख रहा है आई, आई के साथ में काम में लेंगे हम एम, टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, बहुत से स्टूडेंट टीच कर देते हैं, गलत होती है टीच के थर्ड फॉर्म,
और सेकंड फॉर्म होती है टॉट, तो टॉट का यूज लें, तो आई एम टॉट, उसके बाद में जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है उस शब्द को आप यहां पे ले लीजिए, उसके बाद बाई सब्जेक्ट था आपका ही, ये को आप चेंज कर देंगे तो हिम, तो आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, इस प्रकार से। अब आप सोच रहे होंगे इन चार चीजों का प्रयोग हम लोगों ने क्यों नहीं किया वाक्य में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाक्य के भीतर ना मॉडल आया है, ना हैज हेडिंग हेल्पिंगर का प्रयोग किया गया है, ना वर्ब के आईएनजी फॉर्म से कोई वाक्य आया है, ना ही पहले से एक्टिव वॉइस के भीतर नॉट शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसीलिए इन चारों शब्दों में से हमने किसी चीज का प्रयोग नहीं किया। अब हम सेकंड वाक्य को देख सॉरी सेकंड पैटर्न को देखते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, ये तो था किसका फर्स्ट टाइप, अब हम देखते हैं सेकंड टाइप, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं तो कैसे वाक्य बनेगा। तो देखिए अब हम मी को नहीं लेंगे, अब हम लेंगे इंग्लिश को, तो आप पहले इंग्लिश को ले लीजिए, हमने इंग्लिश को ले लिया, उसके बाद वही इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। अब इंग्लिश यहाँ पर एक वचन है इसलिए आ जाएगा इज, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। अब यहाँ हमने देखा कि निर्जीव ऑब्जेक्ट को हमने आगे लिया है, तो जो आपका सजीव ऑब्जेक्ट होगा उसे जोड़ने के लिए आप आगे टू का प्रयोग करेंगे, टॉट टू, मी का मी, फिर बाई सब्जेक्ट है आपके पास ही, तो ही का हो जाएगा हिम, इस प्रकार से आपका वाक्य तैयार होता है। अब दोनों ही ऑब्जेक्टों को आगे ला करके किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर दो देखिए, सेकंड नंबर का एग्जांपल है यू हैव आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, सेम पैटर्न से इसे भी बनाना है। पहले हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं, तो हिम का बन जाएगा ही, यहाँ आपको दिख रहा है हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म जब होती है तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तो ही एक वचन होने के कारण हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, उसके बाद में हम वर्ड जोड़ देंगे बीन। सूत्र को नहीं भूलना है, हमने ये वाला पहला ऑब्जेक्ट लिया है तो इस सूत्र से बना रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, हैज और हैड के रूप में हेल्पिंग वर्ब थी तो बीन का प्रयोग करा, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगानी है, पहले से ही इसके अंदर थर्ड फॉर्म है तो आप लगा दें इसे। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट था आपके पास ए क्वेश्चन, उसके बाद बाई सब्जेक्ट था आपके पास यू, तो अंत में लाके हम लगा देंगे यू, इस प्रकार से आपका वाक्य समाप्त हो जाता है कि ही हैज बीन आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय यू। तो या तो आप इस तरीके से बनाए, ये तो है आपका फर्स्ट तरीका, लेकिन यदि सेकंड तरीके से आप बनाते हैं तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप सेकंड ऑब्जेक्ट को रख लीजिए ए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन भी एक वचन है इसलिए इसके साथ भी काम में आएगा हैज, साथ में जोड़ देंगे बीन, वर्ग की थर्ड फॉर्म आस्क्ड दे रखी तो आस्क्ड का आस्क्ड। उसके बाद यहाँ हमको दिख रहा है कि अपने पास में जो सजीव ऑब्जेक्ट था वो अभी बाकी है, हिम शब्द बचा हुआ है, तो इसको हम काम में लेंगे टू, उसके बाद में हिम, फिर बाई सब्जेक्ट था आपका यू, तो यू का यू। अब सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात अच्छे से याद दिला दूं, एक बात अच्छे से समझा दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में ये बात ध्यान रखें कि यदि आप किसी निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे काम में लेते हैं तो जो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसे आपको वाक्य के बीच में रखना है और थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है। लेकिन सेकंड प्रकार के वाक्यों में जहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट को काम में लेकर के वाक्य बनाया गया था, जैसे ये उदाहरण देखिए और ये उदाहरण देखिए, यहां पर टू के साथ में वाक्य बनाया गया है, लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हिम, दोनों ही शब्दों को चेंज नहीं किया गया है। ये बात हमें याद रखनी है कि जो आपके पास डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य हैं उसमें यदि आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को काम में ले रहे हैं तो जो आपका सजीव ऑब्जेक्ट होगा उसे आप टू के साथ में प्रयोग करके वाक्य को तैयार कीजिए, पैसिव वॉइस बनाइए, लेकिन उसका रूप चेंज नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, मी का आपने आई बना दिया, हिम का आपने ही बना दिया, तो आपका वाक्य वहीं गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए
आप लोगों को टू का प्रयोग करना है, लेकिन उस सजीव शब्द को किसी भी हाल में नहीं बदलना है। तो यही बात विशेष है ध्यान रखने लायक। तो आप लोगों को बताया हमने डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य जो हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, इन दोनों सूत्रों के आधार पर आपका जो वाक्य है वो तैयार किया जाता है। आइए अब कुछ दूसरे एग्जांपल्स हम लोग करके देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि जो आपके ग्रामर के टॉपिक चल रहे हैं, इन इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स में से यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए हैं तो उनके ऊपर वो अपनी समस्या को लेकर के भेज सकते हैं, या डायरेक्ट जो भी आपकी लाइव क्लास चलती है उस लाइव क्लास के अंदर आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी जो दसवीं कक्षा की पढ़ाई है वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपको घर बैठे भी ना आए। टीचर आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, आप लोगों को सिर्फ पूछने की देर है। आप लोग बगैर किसी हिचकिचाहट के आप अपने सवाल को पूछिए, अपने मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर करिए। तो देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य के अन्य कोई वाक्य यदि आ जाता है तो हम कैसे बनाएं? जैसे मान लीजिए आर यू गिविंग हर ए मैंगो। अब यहां पर ये जो आपका हेल्पिंग और वाला वाक्य आया है तो इसमें हमें क्या करना है? पहली बात तो आपको वही तरीका पता लगाना है कि क्या ये डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य है या नहीं है। अभी हम लोगों ने आपको पहले ही ये बात बता दी है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो आपका वाक्य होगा उसमें डबल ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है। तो इसकी पहचान का सीधा सा तरीका यही है कि मुख्य क्रिया के बाद में देखिए दो ऑब्जेक्ट होंगे। पहला जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो सजीव होगा यानी कि लिविंग थिंग होगा, और सेकंड नंबर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका नॉन लिविंग थिंग होगा। यही सबसे बड़ी पहचान है डबल ऑब्जेक्ट की। अब यहां हमको दिख रहा है आर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, गिविंग हो गई मेन वर्ब, और हर हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ए मैंगो हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। अब यदि मान लीजिए इस प्रकार का वाक्य आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको कैसे बनाना है? सभी स्टूडेंट्स को मैं हर वीडियो में ये बार बार यही कह रहा हूँ कि यदि वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है, सिर्फ इतना सा रोल के अंदर फर्क है, बाकी आपका रोल जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मान लीजिए जैसे आपको दिख रहा है डबल ऑब्जेक्ट वाक्य भी है, साथ में आपका वाक्य जो है डबल ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब में भी है, तो कैसे बनाए? तो घबराने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले लीजिएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पीछे भेज दीजिएगा। यदि दूसरे ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो वही पैटर्न यहाँ अपनाना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेना, सेकंड ऑब्जेक्ट को आपको पीछे भेज देना है। आपका तरीका तैयार है और सूत्र भी तैयार है। और सबसे अंत में विशेष बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क लगाए बगैर वाक्य को नहीं बनाना है। तो देखें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अब आप ये समझिए पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना है, यहाँ को हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इज एम आर, और साथ में वर्ग की फॉर्म आ रही है आईएनजी। हम लोगों ने आपको बताया था कि वर्ग की आईएनजी फॉर्म वाला वाक्य यदि कभी भी आ जाए तो आपका कंटीन्यूअस टेंस होगा, और आईएनजी फॉर्म वाले में हम एक शब्द यूज लेते हैं बींग, तो बींग का यहाँ पर प्रयोग किया जाना है, और बींग शब्द का प्रयोग किए जाने के साथ साथ हमें यह ध्यान रखनी है कि उस टेंस के भीतर आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो कभी चेंज नहीं है। इज एम आर है तो इज एम आर ही आएगी, और वाज वर है तो वाज वर ही आएगी। अब यहाँ हमको दिख रहा है इज एम आर आ रही है तो इज एम आर में से ही हेल्पिंग वर्ब यूज आएगी। तो हम आइए पहले तरीके से इसे बनाते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, हर, तो हर शब्द का बन जाएगा यहाँ पर शी। अब आप सभी अच्छे से जानते हैं शी शब्द के साथ में शी है एकवचन, और एकवचन होने के कारण इसके साथ में वर्ड लगाया जाएगा इज। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई तो इज, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास हर, हर का हमने बना दिया शी, तो हमने शी लगा दिया। उसके बाद देखिए चारों में से कौन सी चीज जरूरी है काम में लेना, तो बींग वर्ग की आईएनजी फॉर्म थी इसलिए बींग शब्द को यूज लिया जाएगा, तो बींग। उसके बाद थर्ड फॉर्म,
तो यहाँ गिव क्रिया चल रही है तो गिव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट लगाना है, सेकंड ऑब्जेक्ट पे आपके पास ए मैंगो तो ए मैंगो। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है तो बाई, सब्जेक्ट था आपके पास यू तो यू का यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि वाक्य है आपका इंटरोगेटिव, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इस प्रकार से आपका वाक्य तैयार होता है। या आप हर को ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं और ए मैंगो से बनाते हैं तो कैसे बनाना है, तो देखिए ए मैंगो है, पहले आप ऑब्जेक्ट को रखिए तो ए मैंगो। अब मैंगो की संख्या भी एक ही है इसलिए इसके साथ भी हेल्पिंगर काम करेगी इज, तो इज ए मैंगो। उसके बाद आईएनजी फॉर्म होने के कारण यहाँ पर भी बींग का प्रयोग करा जाएगा तो बींग, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म काम आएगी तो गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट आप चाहे कोई सा भी काम में लीजिए, फर्स्ट लीजिए चाहे सेकंड लीजिए, तो जो भी आपका वाक्य के भीतर सेकंड ऑब्जेक्ट बचेगा उस ऑब्जेक्ट को उठा करके आपको थर्ड फॉर्म के बाद रखना है। तो यहाँ गिवन शब्द दिया हुआ है, इसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट बच रहा है हर, इस शब्द को आप रखिए, लेकिन हमें याद ये रखना है कि इससे पहले जो वर्ड जोड़ना है वो होगा टू, और यहाँ पर जो हर शब्द है उसको परिवर्तित नहीं करना है, उसे चेंज नहीं करना है। तो याद रहेगा टू हर, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट है आपके पास यू तो यू का यू और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका जो वाक्य है वो बनाया जाएगा, तो इज ए मैंगो बींग गिवन टू हर बाई यू, ऐसे आपका वाक्य बनाया जाएगा। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य जो हैं वो इस प्रकार से कंप्लीट किए जाएंगे। अब आज से आप लोगों को एक नए प्रकार के जो वाक्य हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, और एक्टिव पैसिव के अंदर कुछ लिमिटेड ही रूल्स होते हैं, लिमिटेड ही वाक्य आते हैं, तो आइए अब उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। WH से शुरू वाक्य जो होते हैं उनको पैसिव इसमें कैसे बनाया जाता है यह चीज हमें यहाँ पर समझनी है। WH से मतलब हो गया है जितने भी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनसे यदि वाक्य आ जाता है तो उसे कैसे आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाने हैं ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। आइए बना करके देखते हैं। अब इसका जो पैटर्न है वो लगभग हेल्पिंगर जैसा ही है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका सूत्र बता देता हूँ, लेकिन सूत्र के बारे में बात करेंगे हम बाद में, तो सूत्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं सबसे पहले WH के दो प्रकार के वाक्य होते हैं उन दो प्रकार के वाक्यों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कैसे उनको चेंज करना है। तो देखिए WH से वाक्य जो शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको हु से शुरू वाक्य, यदि आपका वाक्य हु शब्द से शुरू होता है तो आपको कैसे पैसिव वॉइस के रूप में चेंज करना है, इसका रूल अभी हम बनाएंगे। सबसे पहले जो वाक्य है उसे हम एग्जांपल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल आ गया, तो इसमें क्या क्या है, हु जो दे रखा है आपका ये हो गया आपका WH वर्ड, कार्ड जो है ये हो गया आपके मेन वर्ड के सेकेंड फॉर्म, और यू जो है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं मिला है, और इसका रीजन ये है कि जो आपका हु वर्ड होता है इसका अर्थ होता है कौन या किसने, और हु शब्द जो होता है वह वाक्य में से सब्जेक्ट को गायब कर देता है, सब्जेक्ट को हटा देता है, और सब्जेक्ट को हटा करके स्वयं प्रश्नवाचक शब्द के रूप में खुद काम में आने लग जाता है। तो अब देखिए जो इसका सूत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस जो बनेगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा, ये चीज हमें समझनी है। तो देखें सबसे पहले इसका सूत्र बनेगा बाय हूम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस बी बीन बींग नॉट प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न से अपने को वाक्य बनाना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बाई का प्रयोग हमने शुरुआत में ही कर दिया, सूत्र के भीतर लास्ट में बाई का प्रयोग कहीं नहीं किया। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि हु वाला जो वाक्य रहता है उसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, तो सब्जेक्ट नहीं होने के कारण, क्योंकि सब्जेक्ट को हटाने का काम ही हु शब्द करता है, प्रश्नवाचक वाक्य है और उसमें यदि सब्जेक्ट का पता नहीं है या ये अज्ञात है, ये जानकारी हमें नहीं है कि काम किसके द्वारा किया जाए, तो उस जगह पर हु शब्द का प्रयोग होगा। और इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, कहने का मतलब है डायरेक्ट के यदि हु शब्द का प्रयोग होगा तो हु शब्द का प्रयोग होने पर पैसिव वॉइस बनाते समय हु शब्द को डायरेक्ट बाई हुम में शुरुआत में ही चेंज कर देंगे और फिर बाकी उसी तरीके से हमको पैसिव वॉइस बनाना है। अब आप लोग घबराएं नहीं कि डब्ल्यूएच वर्ड आ गया तो उसका रूल चेंज हो गया, नहीं हुआ, रूल चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा है बस। क्या कि हेल्पिंग वर्ब वाला जो अभी आपको सूत्र बताया गया था उससे पहले सिर्फ आपने डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ा है और उसके अलावा कोई फर्क नहीं है, सूत्र आपको वही पहले जैसा ही है। तो देखें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हु शब्द दिख गया तो हम लोगों को क्या करना है, बाई हुम का प्रयोग करना है, तो बाई हुम। उसके बाद हमें दिख रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म आने की वजह से हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे काम में आया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया तो हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये है बाई हुम लगाने के बाद में वाज लगाएं या वर लगाएं, इसका पता कैसे लगेगा? तो इसका पता लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा हेल्पिंग वर्ब वगैरह सोचे समझे ना लगाएं, पहले आप ऑब्जेक्ट को लगाएं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या है, यू, तो आप यू को लगाएं। अब आपने यू लगा दिया तो आपकी जो समस्या है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वाज वर्ब में से लगानी है, तो वाज लगाएं या वर, तो आप जानते हैं यू के साथ में आप लगाएंगे वर, तो बाय हुम वर यू, सूत्र आपका तैयार है। बाय हुम हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इनमें से देख लें कोई चीज आपको लगानी है क्या, बी, आप लोगों को बाकी में कहीं मॉडल नजर नहीं आ रहा, बी नहीं लगा सकते, बीन हैज अ वर्ड का प्रयोग नहीं है तो आप बीन भी नहीं लगा सकते, बींग आईएनजी फॉर्म नहीं है इसलिए आप बींग नहीं लगा सकते, नॉट वाक्य में पहले से नेगेटिव नहीं है तो यहाँ नॉट भी नहीं लगा सकते, इसका मतलब चारों नहीं लगेंगे। फिर अवर की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे कार्ड दे रखी है, तो कार्ड। इसके बाद में दे रखा है के अदर्स, अदर्स का मतलब है कि इन शब्दों के अलावा कुछ और भी शब्द दिए हुए हों तो आप उसको लगा दें, और यदि आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आपका ये वाक्य यही समाप्त हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस तैयार है। जैसे दूसरे वाक्य बताऊंगा आपको, तो हो विल राइट दिस लेटर, मान लीजिए जैसे वाक्य आ गया कि हु विल राइट दिस लेटर, जैसे ही वाक्य दे दिया गया है, अभी से हम कैसे बनाएं, तो हम देखें सबसे पहले हु दे रखा है मतलब सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, अज्ञात सब्जेक्ट है तो इसे हम WH कहेंगे, विल जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए, चाहे आप मॉडल समझ लीजिए, बात वही है। उसके बाद राइट जो है ये आपकी मेन वर्ब, और दिस लेटर जो दे रखा है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सूत्र कहता है बाई हुम का प्रयोग कर दीजिए शुरू में, तो आप लोगों को लगा देना है बाई हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो विल और शैल में से लगानी है, अब फिर वही समस्या आती है विल लगाएं या शैल लगाएं, तो मैंने अभी आपको कहा हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल हो, जब तक आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल सही नहीं लगेगा, तो पहले आप ऑब्जेक्ट को लगाएं। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, दिस लेटर, तो आप पहले दिस लेटर को लगाएं, तो दिस लेटर। अब यहाँ आपको दिख रहा है दिस लेटर वर्ड है और ये ऑब्जेक्ट था तो इसको हम आगे लेकर के आए। अब आई वी यदि आता तो आप शैल लगाते, आई वी का प्रयोग हुआ ही नहीं है इसलिए यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे, तो बाय हुम विल दिस लेटर। अब हम जानते हैं कि इन चारों में से एक वर्ड यूज आएगा और वो कौन सा वर्ड होगा, क्योंकि हमारे पास मॉडल का प्रयोग हुआ है इसलिए हमारे पास यहाँ दो शब्द काम में आएगा, वो होगा बी। वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, राइट शब्द दिया हुआ है तो राइट शब्द की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अदर्स का क्या मतलब है, तो मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे इन
दिस रूम, मान लीजिए ये वर्ड और जुड़ा होता इस सेंटेंस में, तो यहाँ आपको मैंने ये समझाया था कि ऑब्जेक्ट जो है उसका पता कैसे करें, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन ये जो इन दिस रूम है ये सब क्या माना जाएगा? अदर्स। अदर्स का मतलब हो गया कि कोई स्थानवाची या कोई समयवाची जो शब्द होगा वो सब के सब अदर्स में आते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न तक तो हमने बनाई दिया, अब ये जो शब्द है ये सब अदर्स में, तो इसलिए इनको सबसे लास्ट में रा करके रख दीजिए। और इसी के साथ आपका जो पैसिव वॉइस में WH वर्ड के भीतर हु शब्द से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस हैं, उनको सब हमने पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। तो याद रखना है कि हु शब्द से स्टार्ट यदि कोई भी वाक्य आता है तो इसे बाई हुम से बनाना है, सूत्र को भूलना नहीं है। तो इस पैटर्न से हम लोगों को बनाना है वाक्य। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो सभी को पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के भीतर आपको इस वीडियो में मैंने हु से शुरू होने वाले वाक्य बताए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हुम से और बाकी अन्य जो WH वर्ड हैं उनसे शुरू होने वाले वाक्य और एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बताऊँगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के भीतर फिर दोबारा WH से स्टार्ट होने वाले एक्टिव पैसिव वॉइस को के टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।